मुजफ्फरपुर जिले में बंदरा प्रखंड का यह हिस्सा है, सीमरा तटबंध का हिस्सा है, बाया तरफ है। आपको बता दें कि इस बांध की मरम्मती के दावे किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का एस्टीमेट बना है, और जिस बांध की मरम्मती के दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत आप देखिए। हम कैमरामैन से आग्रह कर रहे हैं कि आपको दिखाएं यह तस्वीर लाइव, जिसको देख के अंधा भी कह सकता है कि कितना बड़ा गड्ढा है। अभी अभी इस बांध पर घूमते हुए जब ए टू जेड न्यूज लाइव की टीम ने बांध का मुआयना किया स्थानीय जिला पार्षद के साथ, इस बांध को देखने की हकीकत को देखने का अभियान चलाया, तब मौके पर मिले बंदरा के सीओ और उन्होंने दावा किया कि बांध को अभी अभी भर दिया गया है। जब हमने अपने कैमरे से इसको देखने की कोशिश की तो उनके दावों पर से सच्चाई का जो पर्दा है वो खुलता चला गया है। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं उसको देख के आपको भी आश्चर्य होगा। आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पर बांध के किनारे लोगों का आना शुरू हो चुका है। बांध सीमरा में जो बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध के किनारे जो ढाब के जो बासिंदे हैं, करीब बताया जाता है कि 150+ ऐसे परिवार होंगे जो अब बांध पर शरण लेना शुरू कर दिए हैं। इनके बीच अफरा तफरी का माहौल है, कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है तो कई घरों में घुसने को आतुर है, चूल्हा चौका भी बंद है और शरण लेने लगे हैं बीच सड़क पर। आखिर बेबसी है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। इस बीच प्रशासन के अधिकारी जो दावे कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर के जो डीएम हायर तौबा किए हुए हैं, सिस्टम पर शिकंजा कसने का दावा कर रहे हैं, वह सब झूठा प्रतीत होता दिख रहा है बंदरा के बूढ़ी गंडक के तटबंध पर। क्या नाम हुआ? बालकिशोर दास। ये बूढ़ी गंडक का जगह है ना? हाँ। ये बताया गया है कि पूरा बोकर जो है सो बहर दिया गया है, सच्चाई क्या है? ना, कहां भरा हुआ? इधर देखिए, इधर देखिए। ये कितना दिनों से इस तरह से? लमसम 2 महीना से ऊपर से। अधिकारी कह रहे हैं कि आज ही भरा गया है, इससे पहले भी भरा गया है। ना, कहां भरा हुआ देखिए ना। पानी की क्या स्थिति है सारी जगह? बहुत गंभीर पानी की स्थिति है, पानी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कितना परिवार प्रभावित हो गए यहाँ पर? 150। क्या नाम है? सरिता देवी। क्या परेशानी है? ये बांध के बारूद के नहीं कोई देखने आता है, ना कुछ करता है। कौन सा जगह है? सिमरा 1 नंबर। कितना दिन से परेशानी है? लगभग 4-5 दिन से। आपका क्या नाम हुआ? सीता देवी। क्या दिक्कत है आपको? न घर उड़ है, खाने पीने की बहुत दिक्कत है, न बांस उस है, कैसे व्यवस्था करें? कुछ क्या व्यवस्था? घर में पानी चला गया। हाँ। कौन सा टोला हुआ सिमरा में? 1 नंबर वार्ड है। मुखिया सरपंच प्रतिनिधि नहीं आए, अधिकारी नहीं आए? पूरा बोकर है देखिए। अच्छा, सीओ तो कह रहे हैं कि पूरा बांध भरा दिया गया, जहाँ जहाँ फोटो भेजिए उसका पास। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत। क्या दिक्कत है आपको? यह दिक्कत है जो रहने उने में कुछ आइए ना, ना हमको सके आदमी ने सब दहा दुआ गया था, कहाँ रहेगा बच्चा? अधिकारी तो कह रहे हैं कि पूरा बूढ़ी गंडक का बांध देखिए कहाँ भरा हुआ है। देखिए जनी जात होकर कोदारी भजते हैं, वहाँ के आदमी सर आदमी तो आते जाते हैं तो देखता है की लेडीज से क्या कर रहा है, वो देखता है साफ कीजिए साफ कीजिए, आदमी से आता है। अधिकारी लोग खुद आप ही को कह देते हैं, हमारे कह देते हैं देखने वाला आदमी। मुखिया सरपंच तो कोई पोते नहीं है जो दहा गया महिला लोग की है कि मर गया कि जिया, कुछ भी नहीं पता है। क्या नाम है? आपके घर में भी पानी घुसा? कितने लोग प्रभावित होंगे आपकी तरह? कई दिन से इस तरह का दिक्कत। कौन सा जगह है जहाँ पर पानी आया है? कौन नदी का पानी आया है? बूढ़ी गंडक का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत। क्या दिक्कत है? मेरा दिक्कत ये है कि जो पानी बाढ़ की आ गई है, अब यहाँ कोई प्रतिनिधि ना मुखिया ना कोई सरपंच, यानी कि बहुत ऐसा चीज है कोई नहीं सुनने के। कब से पानी घुसा हुआ है घर में? ये 4-5 दिन से पानी आ रही है। सब आदमी जनता जैसे डूबे हुए हैं, जैसे जैसे दहाड़ से, जैसे कोई जैसे फोन कर रहे हैं कोई नहीं सुन रहा है, सब जैसे अपना अपना बक्सा उक्सा लेकर जैसे बन्ना पकड़ रहे हैं। कितना लोग प्रभावित होंगे? लगभग जैसे 150-200 आदमी। बांध पर जो है भरने का मिट्टी भरने का कोई नहीं, कोई नहीं सुनता है, सब जैसे बोकर सब टूटा हुआ है, कोई नहीं जैसे अधिकारियों से बातचीत नहीं की। वीडियो साहब सब फोन करते कोई नहीं सुनता है। सीओ से नहीं बात किए? सीओ साहब से हमने बात नहीं की, वीडियो साहब के फोन हुआ है, वार्ड के थ्रू हम कराए हैं, मगर कोई नहीं इससे बातचीत सुन रहा है। आप क्या है यहाँ पर? प्रतिनिधि है? प्रतिनिधि उप सरपंच हम है, मगर कह रहे हैं हम जैसे नहीं सुन रहा है कौन। बांध के अगले हिस्से पर हम है, लगातार बांध का जो ये किनारा है उसकी हालात देख के बहुत ही दयनीय हालात का अंदाजा हो रहा है। समझा ये जा रहा है कि अगर बाढ़ का यह रूप जारी रहा तो यहाँ कभी भी बांध ध्वस्त हो सकता है, और अगर इस बार बूढ़ी गंडक ने हुंकार भरी तो बंदरा को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। बांध के किनारे लोग और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उनकी नज़र में
इस बात की सच्चाई क्या है, क्या रियल में बांध कमजोर है, क्या रियल में बांध के किनारे जो है सो जो इसका जो अप्रोच है वो कमजोर हो चुका है, क्या नाम है आपका? रियलिटी क्या है ये जो दिख रहा है गड्ढा? ये जो गड्ढा दिख रहा है वो तो खतरनाक है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सारे अप्रोच को जो भर लिया गया, जितने गड्ढे हैं उसको ठीक कर दिया गया। हाँ, जितने भी गड्ढे हैं उसको ठीक कर दिया जाए तो सही है, नहीं तो मुझे जाएगा यहाँ 15 की आप कितने। अधिकारी का दावा है कि सभी गड्ढे को ठीक कर लिया गया, तो ये जो गड्ढा दिख रहा है क्या ये सच्चाई है या अधिकारी का दावा सच्चा है? नहीं नहीं ये सच्चाई है। इसको भरने के लिए आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं लगातार? मांग करेंगे, कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई अगर होता, कोई सुनवाई होता तो ऐसा थोड़ी रहता। जैसा कि पब्लिकों से बातचीत करते हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, रियल में क्या है। स्थानीय जिला पार्षद 48 भी हमारे सामने हैं, उपेंद्र पासवान जी, आइए उनसे भी जानते हैं कि बंदरा का जो हिस्सा है, बूढ़ी गंडक का जो तटबंध है, कहा जाता है कि बरगांव से तेपरी तक बूढ़ी गंडक का हिस्सा है और तमाम बांध का जो हिस्सा है वो जर्जर है, चप्पे चप्पे में कहाँ कब अगर बांध ध्वस्त हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार जो इतिहास है पलट सकता है, करीब बंदरा प्रखंड का 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो सकती है अगर बाढ़ का यह रूप जारी रहा तो। रियल में अधिकारी तो कर रहे हैं कि बांध की मरम्मती करा लिए गए हैं, एस्टीमेट भी हुए थे, गंडक प्रोजेक्ट के द्वारा भी इसका काम करा लिया गया है। प्रतिनिधि की नज़र में आइए जानते हैं कि ऑन पब्लिक, ऑन स्टेप और ऑन स्पॉट जिला पार्षद से ही जानते हैं कि रियलिटी क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रियल सच्चाई क्या है, ये जो अधिकारी का दावा, बांध का जो हालात और रियल में क्या है सो बताइए। रियल में तो है जो अभी तक के मरम्मत भी नहीं, एक कॉम्प्लिकेटी भी नहीं पड़ा है बांध पर। ये जो अधिकारी दावे कर रहे हैं कि बांध की मरम्मत हो गई है, गलत। आप क्या समझते हैं कि इसका बचाव कैसे संभव है और क्या किया जाना चाहिए? पब्लिक क्या सोचती है और आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं जो कि अविलंब इसका मरम्मती हो, मिट्टी गिरे और बोरा में मिट्टी कस के और इसका मरम्मती हो, एकदम 24 घंटा इसका तैनाती हो, सरकार के मुहैया हो जितना, और बांध पर जो लोग रुके हुए हैं उनका भोजन का व्यवस्था भी होना चाहिए। कितने परिवार रुके होंगे बांध पर? लगभग 200 के लगभग होंगे। किस एरिया के लोग हैं? सुहरगंज यानी सिमरा वार्ड नंबर 1 में है, और तो दूसरे जगह दूसरे वार्ड के हैं, लेकिन इनका विशेष। अच्छा ये बताइए कि प्रत्येक साल यही स्थिति रहती है बांध पर या इस इलाके में? 2 साल नहीं हुआ बाढ़ नहीं आने के बाद, लेकिन बाढ़ आने के बाद ऐसा है स्थिति। अक्सर जो ये हालात रहते हैं तो कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर समेत पूरा बिहार पूरा सिस्टम जो है तो बाढ़ पूर्व तैयारी में लगा है। बंदरा के अधिकारी क्या कर रहे हैं? कभी आप लोग मांग नहीं करते हैं, अधिकारियों से बातचीत नहीं करते? विष्णु साहब के बोले हैं तो कहा ठीक है काम करवा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अधिकारी के दावे में कहीं भी सच्चाई नहीं दिखती है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो इससे पहले भी हमारे कैमरे ने आपको दिखाया है कि बूढ़ी गंडक का हालात क्या है, गड्ढे क्या कर रहे हैं, और एक बार फिर हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि दिखाएं आपको ये जो गड्ढा है, ये जो ब्रोकर है, बताया जाता है कि बूढ़ी गंडा का सबसे बड़ा ब्रोकर है और सड़क का जो किनारा है वो भी ढहने लगा है और हर बार यहीं पर ये परेशानी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गिट्टी का हिस्सा यहाँ पर बहता दिख रहा है और अभी अभी अधिकारी ने किस हिसाब से दावे कर दिए, जब यहाँ के पब्लिक से हमने बात की तो एक आक्रोश भर गया और लोग आश्चर्य में पड़ गए कि गड्ढे तो भरे नहीं तो दावे किस बात की। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर के डीएम को गंभीरता के साथ बंदरा का भी रुख करना पड़ेगा और जैसा कि मुजफ्फरपुर जिले का औराई कटरा और गायघाट में बागमती का कहर बरप रहा है तो निश्चित रूप से बंदरा का हिस्सा जो है मानचित्र से मिट सकता है। अगर समय रहते मुजफ्फरपुर के डीएम और बंदरा के वीडियो एवं सीओ गंभीरता नहीं बरते और कागजी सच्चाई को हकीकत में नहीं बदल दिया गया तो निश्चित रूप से अगर बूढ़ी गंडक की फुफकार बढ़ेगी, हुंकार बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस बार बंदरा मानचित्र से मिट सकता है, जिसे समय रहते हुए देखने की जरूरत है। बूढ़ी गंडक सिमरा सुहरगंज और ढाब के हिस्से के जो बासिंदे हैं करीब 150-200 परिवार अब मुख्य सड़क पर आकर शरण लेने लगे हैं। निश्चित रूप से अधिकारियों को और वैसे प्रतिनिधियों को जो विपदा की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों को देखकर फोटो खिंचाने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको निश्चित रूप से जमीन पर आकर काम करके दिखाने की जरूरत है। दीपक कुमार तिवारी, A2Z News Live,
मुजफ्फरपुर बंदरा बिहार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु